वेलकम टू मैच प्रेडिक्शन फॉर टुडे चैनल। तो बीपीएल तो खत्म हो चुका है और बिग बैश लास्ट पर जाए है, तो बिग बैश भी खत्म हो जाएगा, लेकिन शुरू होने वाला है पीसीएल यानी कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग। बहुत ही एक अच्छी लीग है और बहुत ही एक अच्छी कमाई वाली मैच शायद लीग होगी या हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट रहेगा बहुत ही सही रहेगा। और ये जो पहला वीडियो है, पहले वीडियो में मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि ये जो पीसीएल है, पीसीएल में मोट टोटल 30 मैच होगा। 30 मैच से मैं आप लोगों को 20 से 25 मैच जो है वो आप लोगों को मैं फ़ायदा दूंगा, यानी कि बेनिफिट मैं जम के उठा के दूंगा आप लोगों को। ये मेरी आप लोगों को से वादा रहा है, गारंटी रहा है कि आप लोगों को मैं 20 से 25 मैच आप लोगों को मैं श्योर जो है वो दूंगा। तो देखते हैं क्या होता है, हार जीत तो होती रहती है दोस्तों। तो ये जो पहला मैच है पीसीएल की, पाकिस्तान प्रीमियर लीग की जो पहला मैच है, दो टीम टकराएंगे आपस में। वो दो टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर की टीम जो क्वालिडर्स है, लाहौर क्वालिडर्स ये मुकाबला करेगी आपस में पहला मैच पीसीएल की। तो ये जो पहला मैच है बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही शायद हमारे लिए एक कमाई वाली मैच हो सकती है, और जो जो भाई अब तक लॉस में है शायद उसकी लॉस भी कवर हो सकती है इस मैच में। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है बहुत ही अच्छी टीम है, लाहौर क्वालिडर्स है ये भी एक अच्छी टीम है। मेरी दो टीमों पर जो है वो फेवरेट प्लेयर है, अच्छी बॉलर है, तेज गेंदबाज है, हिटर बैट्समैन है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है और लाहौर क्वालिडर्स है, ये जो पहला मैच आपस में टकराने वाला है, वो जो टकराएंगे वो स्टेडियम है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर पहला मैच होगा। तो ये जो स्टेडियम है, ये जो पिच है, इस पिच की अगर रिपोर्ट दिखा जाए तो इस पिच में कभी कभी तो चेजिंग टीम को ज़्यादा सपोर्ट करती है और कभी कभी डिफेंडिंग टीम को सपोर्ट करती है। लेकिन आप लोग देखा होगा कि ये जो कुछ दिन पहले जो एपीएल हुआ था यानी कि अफगानिस्तान प्रीमियर लीग जो हुआ था, उस लीग में देखा गया कि फास्ट जो पांच मैचेस हुआ है वो पांचों से पांचों मैच जो था वो डिफेंडिंग टीम ने जीत गई थी, यानी कि फास्ट बैटिंग टीम ने जीत गई थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ है 10 मैच जो है वो चेजिंग टीम ने जीत गई, लेकिन बाद में आके चेजिंग डिफेंडिंग दोनों टीमों को सपोर्ट देती थी, बॉलिंग हो या बैटिंग हो दोनों को ही सपोर्ट करती थी ये पिच। तो देखते हैं पीसीएल में क्या होता है। लेकिन मेरी जो एनालिसिस रहेगा वो है कि इस पीसीएल में 2019 की जो पीसीएल होने वाला है, इस पीसीएल में शायद ये जो दुबई की पिच रहेगा, ये दुबई की पिच चेजिंग की पिच रहेगा और चेजिंग टीमों की ज़्यादा सपोर्ट होगी मैच जीतने के लिए। और एक बात है वो है कि अगर इस टूर्नामेंट पर कोई भी मैच मैं बोलूँ या फिर कोई भी और बोले, लेकिन कोई भी टीम अगर 170 प्लस कर लेती है इस पिच पर, तो वो मैच डिफेंडिंग टीम ही जीतेगा, यानी कि फास्ट बैटिंग अगर 170 प्लस कर ले या फिर 170 कर ले तो वही मैच जीतेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, अगर ये इसकी की प्लेयर कुछ देखा जाए पहला मैच की, तो जैसे कि है आसिफ अली है, मोहम्मद मुसा है, कैमरून डेलपोर्ट है, हुसैन टेलेट है, लुकी रोंची है, रोमन रेस है, बहुत ही एक अच्छी बॉलर है रोमन रेस, मोहम्मद शमी है और वार्नी पार्नेल है। तो इस ये जो टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, बहुत ही अच्छी अच्छी बॉलर है, रोमन रेस है, मोहम्मद शमी खुद है, आसिफ अली तो एक बैट्समैन है, कैमरून डेलपोर्ट बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, लुकी रोंची है विकेट कीपर। तो ये जो प्लेयर है डॉयन जो पार्नेल है, ये पार्नेल एक ऑलराउंडर है। तो ये जो टीम है इस्लामाबाद की जो टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है, अच्छी अच्छी तेज गेंदबाज है इसी टीम पर। रोमन रेस जो है पाकिस्तान के बॉलर, बहुत ही अच्छी बॉलर है, बहुत ही अच्छी अच्छी बॉल करती है ये रोमन रेस, बहुत ही अच्छी यॉर्कर देती है, फुल टच देती है, बहुत ही अच्छी डिलीवरी देती है ये रोमन रेस। और मोहम्मद शमी को तो आप लोग जानती है कि कैसा बॉलर है ये मोहम्मद शमी। कैमरून डेलपोर्ट तो कुछ दिन पहले बीपीएल खेल के आया है और बहुत ही अच्छी खेला था, बहुत ही अच्छी फॉर्म में भी है ये कैमरून डेलपोर्ट। और अगर देखा जाए लाहौर क्वालिडर्स की जो की प्लेयर अगर देखा जाए, तो जैसे कि ब्रेंडन टेलर है, डेविड विश है, शांदीप लामी चान है, कॉरी एंडरसन है, एंटोन डिवाइस है, शाहीन अफरीदी है, मोहम्मद हाफिज है, एबीडी विलियर्स है और फाकर जमान जैसा खतरनाक बैट्समैन है इस लाहौर के पास। तो ये जो लाहौर की टीम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, और मैं आप लोगों को पहले एक एडवाइस देना चाहता हूँ वो है कि ये जो लाहौर की टीम है वो इस पीसीएल में बहुत ही भारी पड़ेगा, सभी टीमों पर भारी पड़ेगा ये लाहौर की टीम। इसी टीम से सावधान रहेगा, क्योंकि ये जो टीम है बहुत ही अच्छी टीम है, और एबीडी विलियर्स, ब्रेंडन टेलर, डेविड विश जो है वो फॉर्म में है, और ये जो तीन प्लेयर है, तीनों प्लेयर जो है वो बीपीएल खेल के आया है, और एबीडी विलियर्स बीपीएल जो खेला था बहुत ही अच्छी खेला था, शानदार खेला था,
एक छः मैचों में एक सेंचुरी किया था, एक हाफ सेंचुरी किया था, और डेविड लुइस भी अच्छी बॉलिंग है बैटिंग किया था, ब्रेंडन टेलर भी अच्छी बैटिंग किया था। बीपीएल में बहुत ही अच्छी फॉर्म में है ये तीन प्लेयर, और ये जो संदीप लामिचान और एंटोन रिवाइस है ये भी खेला है, लेकिन संदीप लामिचान जो बिग बैश खेला कोई भी फॉर्म में नहीं था, और ये जो बीपीएल में खेला वो भी फॉर्म में नहीं था, और एंटोन रिवाइस भी जो बिग बैश खेला है वो भी फॉर्म में नहीं है। लेकिन ये जो तो लाहौर की जो टीम है बहुत ही अच्छी टीम है, तीन तीन प्लेयर बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है, वो है ब्रेंडन टेलर, डेविड लुइस और एबीडी प्लेयर्स। तो और ये जो फाखर जमान है, फाखर जमान भी अच्छी फॉर्म में है, देखा होगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो मैच हुआ था, बहुत ही अच्छी खेला था फाखर जमान ने। और जो है बॉलर की तरफ से शाहीन आफरीदी जैसा खतरनाक बॉलर है इस टीम पर, तो शाहीन आफरीदी तो बहुत ही अच्छी बॉलर है पाकिस्तान की, और इस टीम जो होगा ये मैच पर भी भारी पड़ेगा शाहीन आफरीदी, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो मैच रहेगा पीसीएल की जो फास्ट मैच रहेगा मेरी तरफ से, तो आप लोगों को ये जो मैच रहेगा वो मैं आप लोगों को, क्योंकि पहला मैच है कोई भी कह नहीं सकता है, लेकिन मेरी जो चैनल की रिपोर्ट था रिपोर्ट जाएगा, शायद आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हमारी जो एनालिसिस और हमारी जो रिपोर्ट रहेगी इससे पीसीएल में बहुत अच्छी रहेगी, और पीसीएल में जो पहला मैच होगा शायद आप लोगों को मैं फ़ायदा ही दूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो पहला मैच है मेरी तरफ से जो विनर होगा, मेरी जो ओपिनियन है इस मैच को लेके, वो पहला मैच कौन सा टीम जीतेगा वो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कोई नया भाई आया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मेरी तो ये जो चैनल, ये जो मैच होगा, तो मैच के बारे में बात करते हैं। तो ये जो मैच रहेगा ये पीसीएल की जो फास्ट मैच रहेगा, मेरी तरफ से इस मैच को विन हो सकती है वो टीम, वो है कि दो टीम ही अच्छे अच्छे प्लेयर है इस्लामाबाद और लाहौर के पास, दोनों के पास अच्छे बॉलर अच्छे बैट्समैन है, लेकिन बैटिंग की तरफ अगर देखा जाए दोनों टीम, तो बैटिंग तो मुझे लाहौर की अच्छी दिख रही है, और अगर बॉलिंग की देखा जाए तो बॉलिंग तो मुझे इस्लामाबाद की अच्छी दिख रही है। तो ये जो मैच रहेगा दोनों टीमों के पास, जो पहला मैच होगा बहुत ही टक्कर होगा और बहुत ही ज़बरदस्त मैच होगा, देखने के लायक होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा ये मैच पहला पीसीएल। तो ये जो विनर के बारे में बात करें, तो विनर मेरी तरफ से जो टीम होगा वो है कि लाहौर क्वालिडियर्स, यानी कि जो शाहीन आफरीदी एबीडी प्लेयर्स की टीम है, ये टीम विन होगा। मोहम्मद हाफिज़ की जो टीम है ये टीम विन होगा मेरी तरफ से, लाहौर क्वालिडियर्स पहला मैच विन करेगी पीसीएल, पाकिस्तान प्रीमियर लीग की जो पहला विनर होगा वो है लाहौर। तो देखते हैं क्या होता है, मेरी तरफ से लाहौर के साथ ही रहना, लाहौर आप लोगों को फ़ायदा देगी। और जो मैंने बोला है, अगर इस्लामाबाद पहले बैट करके 170 रन कर लेती है तो अलग बात है, लेकिन मेरी तरफ से ये जो मैच रहेगा वो लाहौर ही जीतेगा, पहला बैट करे या फिर बाद में बैट करे, तो देखते हैं क्या होता है। तो मेरी तरफ से पीसीएल की फास्ट मैच विन होगा वो है लाहौर, तो देखते हैं क्या होता है। तो हार जीत तो होती रहती है। तो दोस्तों चलते हैं आज के लिए, और मेरी नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं आज के लिए, और वीडियो को पसंद आया, अगर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।